डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ऑस्ट्रेकोडर्म्स। द अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट्स टू अपियर इन फॉसिल रिकॉर्ड वर jawless primitive fish-like animals collectively known as the ostracoderms and placed under the class ostracodermi. They resembled the present-day cyclostomes, that is lampreys and hagfishes, in many respects and together with them constitute a special group of jawless vertebrates, the agnatha. फॉसिल्स में प्रकट होने वाले सबसे प्रिमिटिव नॉन वर्टिब्रेट्स जॉलेस प्रिमिटिव फिश के समान एनिमल्स थे जो सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेकोडर्म्स कहलाते हैं और जिन्हें ऑस्ट्रेकोडर्मी वर्ग में रखा गया है। ये अनेक प्रकार से आधुनिक साइक्लोस्टोम्स जैसे लैम्प्रेज और हैगफिशेस के समान थे और उनसे मिलकर जॉलेस वर्टिब्रेट्स का एक विशेष समूह बनाते हैं जिसे एग्नेथा कहते हैं। अक्यूरेंस ऑस्ट्रेकोडर्म्स वर encountered first as fragmented fossils occurring in the rocks of late Cambrian and Middle Ordovician periods dating back approximately 500 million years. ऑस्ट्रेकोडर्म प्रथम बार लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व लेट कैम्ब्रियन और मिडिल ऑर्डोविशियन पीरियड्स की चट्टानों में खंडित जीवाश्मों के रूप में मिलते हैं। दे वर क्वाइट अबंडेंट ड्यूरिंग द अपर सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड्स। वे अपर सिलूरियन और डिवोनियन पीरियड्स में बहुत अधिक मिलते थे। मोस्ट ऑफ देयर फॉसिल्स वर प्रिजर्व्ड इन द बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स। उनके अधिकतम जीवाश्म फ्रेश वाटर की धाराओं की तलछट में संरक्षित थे। However, opinion is sharply divided as to whether their habitat was freshwater or marine. जो भी हो उनका आवास फ्रेश वाटर या समुद्री जल में होने के विषय में मत अत्यंत विभाजित हैं। Important features. These primitive vertebrates were small to medium sized. Their body form was fish-like, usually flattened dorsoventrally with a huge head and gill region, a tapering but muscular trunk and some sort of tail fin. ये आदिम vertebrates छोटे से मध्यम आकार के थे। उनका शरीर मछली जैसे आकार का प्राय डॉर्सोवेंट्रली या पृष्ठधरीय चपटा विशाल सिर एक गिल रीजन शुंडा का परंतु पेशीय धड़ और कुछ पुछ पक्ष जैसे भागों सहित था।
They had no jaws and no pectoral or pelvic fins, but had only median fins. उनके जबड़े और पेक्टोरल तथा पेल्विक फिन नहीं थे, केवल मीडियन फिन्स थे. रिमार्केबली दीज अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स वर वेरी बॉनी एंड हैवीली आर्मर्ड. विशेषतः ये आरंभिक वर्टिब्रेट्स अत्यंत अस्थिल और बहुत भारी कवच युक्त थे. The head was encased in a solid shield made of broad bony dermal plates, while the rest of the body surrounded by a series of smaller plates often called dermal scales. सिर चौड़ी अस्थिल चर्मीय प्लेटों से निर्मित ठोस ढाल में बंद था, जबकि शेष शरीर छोटी छोटी प्लेटों की एक श्रेणी द्वारा घिरा था, जिन्हें प्राय चर्मिल शल्क कहा जाता है. दीज हैड लेड टू देयर नेम्स ऑस्ट्रेकोडर्म्स, आर्मर्ड फिशेज और बोनी स्किन. ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रेकोन मीन्स शेल प्लस डर्मा मीन्स स्किन. वाई वर दे सो हैविली आर्मर्ड. It has been suggested that the heavy exoskeleton served as a protection against the giant scorpion-like arthropods, the Eurypterids, which were dominant predators of Cambrian, Ordovician, and Silurian periods. इससे उनके प्रचलित नाम ऑस्ट्रेकोडर्म्स कवचित मछलियां या अस्थिल त्वचा रखे गए. ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रेकोन का मतलब होता है शेल या खोल, तथा डर्मा जिसका मतलब होता है स्किन या त्वचा. उनके कवच इतने भारी क्यों थे? यह माना जाता है कि उनका भारी बाह्य कंकाल कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिलूरियन पीरियड्स के प्रमुख परभक्षियों यूरिप्टेरिड्स नामक जियांट या काफ़ी बड़े स्कॉर्पियन समान आर्थ्रोपोड से सुरक्षा के लिए था. बाद में जब ये शत्रु डिसअपीयर्ड हो गए, खत्म हो गए, तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स के जबड़ेदार वंशजों के भारी कवच भी जाते रहे, क्योंकि ये केवल उनकी तीव्र प्रगति में बाधक थे. लेटर व्हेन दीज एनिमीज डिसअपीयर्ड, द जॉ डिसेंडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स आल्सो लॉस्ट देयर हैवी आर्मर विच ओनली हिंडर्ड रैपिड प्रोग्रेस. तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिलोरियन पीरियड्स में यूरिप्टीरिड्स नाम के ऑर्थोपोड्स का बाहुल्य था, यानी कि वो बहुत अधिक पाए जाते थे. इनसे बचने के लिए ऑस्ट्रेकोडर्म्स में बाह्य कंकाल पाया जाता था, जो उनसे उन आर्थोपोड से उनकी सुरक्षा करता था. बाद में धीरे धीरे जब यूरिप्टीरिड्स की संख्या कम हो गई, धीरे धीरे जब वो डिसअपीयर्ड हो गए, तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स के कवच भी ख़त्म होते गए, क्योंकि उन कवच के कारण उनकी प्रोग्रेस भी कम होती थी, यानी कि ये कवच उनकी तीव्र प्रगति में बाधक थे. द ऑस्ट्रेकोडर्म हेड वाज रेदर अनयूजुअल. मोस्ट काइंड्स हैड ए पेयर ऑफ लार्ज लेटरल आईज एंड ए
median pineal eye on top of head. ऑस्ट्रेकोडर्म्स का सिर कुछ असामान्य था. अधिकांश प्रकारों में बड़े पार्श्वी नेत्रों का एक जोड़ा और सिर के शिखर पर एक मीडियन पीनियल आई उपस्थित थी. ए सिंगल मीडियन नोस्ट्रेल वाज लोकेटेड एंटीरियर टू पीनियल आई. एक मीडियन एक सिंगल मीडियन नोस्ट्रेल पीनियल आई के आगे प्रेजेंट होती थी. वेरी लिटिल इज नोन अबाउट ऑस्ट्रेकोडर्म इंटरनल एनाटॉमी. ऑस्ट्रेकोडर्म की आंतरिक शारीरिक के विषय में बहुत कम ज्ञात है. दे हैड नो एक्सियल एक्सोस्केलेटन और वर्टिब्री. उनमें कोई अक्षीय अंतः कंकाल या कशेरुकाएं नहीं थीं. माउथ वाज एंटीरो वेंट्रल स्मॉल एंड विदाउट जॉज और टीथ. मुख अग्राधर छोटा और बिना जबड़ों या दांतों वाला था. सेंसरी फील्ड्स ऑन हेड वर प्रोबेबली ए पार्ट ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम. सिर पर संवेदी क्षेत्र संभवतः पार्श्वरेखा तंत्र का एक भाग था. जजिंग बाय देयर फ्लैटेंड बॉडी एंड फीबल फिन्स दे वर प्रोबेबली स्लगिश बॉटम ड्वेलर्स एंड फिल्टर फीडर्स लाइक मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे लोअर कॉर्डेट्स. उनके चपटे शरीर और कमजोर पंखों से यह पता चलता है कि ये संभवतः सुस्त तली पर रहने वाले और फिल्टर फीडर्स थे. एन इंटरनल ईयर विद टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स वाज प्रेजेंट. उनमें दो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं वाला एक आंतरिक कर्ण पाया जाता था. क्लासिफिकेशन. ऑल ऑस्ट्रेकोडर्म फॉसिल्स हैव बीन जनरली पुट अंडर ए सिंगल क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई. इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस एंड फाइव ऑर्डर्स एज फॉलोज. सब ऑस्ट्रेकोडर्म जीवाश्मों को सामान्यतः एकमात्र वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्माई में रखा गया है. यह दो सब क्लासेस और पांच ऑर्डर्स में विभाजित किया जाता है. सब क्लास वन मोनोराइना. ए सिंगल लार्ज स्लिट लाइक मीडियन नोस्ट्रिल ऑन टॉप ऑफ हेड बिटवीन आईज. सिर के शिखर पर दोनों नेत्रों के मध्य एक बड़े छिद्र की भांति एक मीडियन नोस्ट्रिल होता है. ऑर्डर यू फेरिनीरिटा. सिलूरियन रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल जीनस एंड स्पीसीज जेमोइटिस करवुडी प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर ऑर्डर एनास्पीडा बाय स्टेंसियो एंड रिटची 1960. यूफेनेरिडा सेल्यूरियन पीरियड में पाए जाते थे. ये केवल एक सिंगल जीनस द्वारा रिप्रेजेंटेड है. सिंगल जीनस और स्पीसीज द्वारा रिप्रेजेंटेड है और उसका एग्जांपल है जेमोइटस करवुडी.
इनको पहले एनेस्पीडा गण में रखा जाता था। लगभग 18 सेंटीमीटर लंबा तर्क रूपी कुंद सिर युक्त अनावृत था। अबाउट 18 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्यूजीफॉर्म ब्लंट हेड एंड नेक्ड इंडिकेशन ऑफ टू लेटरल एंड ए मीडियन डोर्सल फिन फॉल्स नोटोकॉर्ड एंड मसल मायोटोम्स लाइक दोज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा के समान दो पार्श्वीय पंख और एक मध्यस्थ पंख वलनों नोटोकॉर्ड और आदि पेशी खंडों के संकेत। नो गिल स्लिट्स रिगार्डेड एज एन एंसेस्टर ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ग्लोम छिद्र नहीं ऑस्ट्रेकोडर्म्स का पूर्वज माना जाता है। ऑर्डर टू एनस्पीडा। सिलूरियन डिवोनियन बॉडी स्मॉल अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हेड नेक्ड और कवर्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल प्लेट्स अरेंजमेंट ऑफ स्केल्स वाज कॉम्प्लिकेटेड। इन द ट्रंक रीजन स्केल्स वर ओरिएंटेड इन लॉन्गिट्यूडनल रोज। माउथ वाज टर्मिनल आईज लेटरली प्लेस्ड नोस्ट्रिल सिंगल मीडियन पेयर्ड अपेंडेजेस वर रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ पेक्टोरल स्पाइंस। ए सीरीज ऑफ स्पाइंस वाज फाउंड इन द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द ट्रंक एंड एनल स्पाइन माइट हैव आल्सो बीन प्रेजेंट अबाउट 8 gill slits were present in front of the pectoral spine in slanting fashion. Tail hypocercal, that is lower lobe larger. They were active swimmers. Birkinia, Lesenius, Pterolaps, Rhynchocolaps and Pharyngolepis. Order 3 Osteostraci Cephalaspida. Silurian Devonian. A single piece head shield or carapace without sutures. Tail heterocercal. Upper lobe larger. A pair of palps behind the gills served like pectoral gills. Several pairs of gill slits, sensory fields on head. Lateral eyes close together. Silurian Devonian केवल एक टुकड़े की बिना सुचूर्स के हेड शील्ड या कैरापेस, टेल हिट्रोसर्कल अर्थात ऊपर की पाली या लोब बड़ा, गिल्स के पीछे एक जोड़ी फ्लैप्स अंश पंखों का कार्य करते थे। क्लोम छिद्रों के अनेक जोड़े सिर पर संवेदी अंग पार्श्वी नेत्र साथ साथ लैम्प्रेज संभवतः ऑस्टियोस्ट्रेसाई से विकसित
विकसित हुए थे। उदाहरण सिफेलिस्पिस, हैबी साइक्लेप्सिस, ये देखिए ये सिफेलेप्सिस का डायग्राम। इनमें हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती थी, डॉर्सल फिन, उसमें डॉर्सल क्रेस्ट ऑफ स्क्यूट्स, फ्यूज ट्रंक सेगमेंट्स, डॉर्सल सेंसरी फील्ड, लेटरल आई, लेटरल सेंसरी फील्ड, स्क्लियोटिक रिंग, लेटरल हॉर्न, पेक्टोरल फिन, ये सब संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। सब क्लास सेकेंड डिप्लोराइना, टू सेपरेट नेजल ओपनिंग्स वेयर नोन। इस सब क्लास में दो पृथक नेजल ओपनिंग्स होती थी। ऑर्डर फर्स्ट हेट्रोस्ट्रेसाई या टेरास्पिडा, ऑर्डोविसियन डिवोनियन, बॉडी लार्ज, हेड इनकेस्ड इन ए शील्ड, टेल वाज लेटरली कंप्रेस्ड, कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स हाइपोसर्कल, माउथ स्लिट लाइक अपर्चर, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्नाउट इज प्रोलोंग्ड इनटू रोस्ट्रम, लेटरल आईज वाइडली सेपरेटेड। ए सिंगल लार्ज गिल स्लिट ऑन ईच साइड, नो साइंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, लेटरल लाइन वाज डिस्टिंक्ट, ए बैक वर्डली डायरेक्टेड डॉर्सल स्पाइन प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सिफेलिक शील्ड, एंटायर ट्रंक वॉज फाउंड कवर्ड विद रेक्टेंगुलर स्केल्स। हैग फिशेज वर प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम हेट्रोसर्काई, टीरेप्सिस, ट्रिपेंस्पिस, these are the examples. Now order second coelolepsida, ordovician devonian, body small, that is 10 to 12 centimeter long, and fusiform or torpedo like surface covered by numerous minute placoid scale like denticles, tail hypocercal or heterocercal, lateral eyes widely apart, broad flanges project anterolaterally from body. Example flebolepsis, lanarkia, coelolepsis. यहाँ पर टीरेप्सिस दिखाई दे रही है, इसमें हाइपोसर्कल टेल, कॉडल फिन, डॉर्सल साइड में डॉर्सल स्क्यूट्स, वेंट्रल साइड में वेंट्रल स्क्यूट्स, डॉर्सल स्पाइन, और आगे की तरफ ओरल प्लेट और आईज।
बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म्स आर स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट नॉन वर्टिब्रेट फॉसिल्स इन द लेट कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविसियन रॉक्स डेटिंग बैक टू नियरली 500 मिलियन ईयर्स। दे आर द रिमोट एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन। सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ देयर फॉसिलाइज्ड बोनी टिश्यूज रिवील्स ए ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर देयर बाय इम्प्लीफाइंग देयर that these vertebrates were far advanced and had undergone a considerable period of evolution before becoming fossilized. इनके जीवाश्मिक अस्थि उत्तकों का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण संरचना की अत्यंत जटिलता को प्रदर्शित करता है, जिसका अभिप्राय है कि ये वर्टिब्रेट्स अत्यधिक प्रगतिशील थे और जीवाश्म बनने से पूर्व पर्याप्त विकसित हो चुके थे। लेक ऑफ अर्लियर वर्टिब्रेट फॉसिल्स शोज दैट दे हैड परहैप्स इवॉल्व इन ए हैबिटेट विच वॉज इनिमिकल टू फॉसिलाइजेशन। इट इज आल्सो लाइकली दैट द अर्लिएस्ट एंसेस्टर्स लाइक हार्ड स्केलेटल मटेरियल्स दैट इज बोन उन्होंने भारी अस्थिल कवच संभवतः समकालीन एरेक्निड्स पर भक्षियों जैसे यूरोपसिड के आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए विकसित किए थे। जैसे ही ये शत्रु खत्म हो गए तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स के वंशजों या उनकी संततियों अर्थात साइक्लोस्टोम्स ने भी भारी कवच को जो उनकी तीव्र गति में बाधक था त्याग दिया। दे डेवलप्ड हैवी बोनी आर्मर परहैप्स फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ कंटेम्पोररी जायंट एरेक्निड प्रीडेटर्स द यूरोपीरेट्स। एज दीज एनिमीज डिसअपीयर द डिसेंडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स द साइक्लोस्टोम्स आल्सो लॉस्ट द अनवांटेड हैवी आर्मर विच वॉज ए हिंडरेंस ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन। The cartilage of cyclostomes and sharks and skates was previously considered a precursor to bone and more primitive. Since the ostracoderms had bony skeletons, the bone is now considered more primitive and the cartilage is interpreted as a degenerate condition. साइक्लोस्टोम्स तथा शार्क्स और स्केट्स की उपस्थिति को पहले अस्थि का पूर्ववर्ती और उससे अधिक आदि माना जाता था। चूंकि ऑस्ट्रेकोडर्म्स के असल कंकाल थे अतः अस्थि को अब अधिक आदि माना जाता है और उपस्थिति को अपभाषित दशा माना जाता है। Interrelationship and affinities. The affinities of ostracoderm fossils with each other have been much disputed. There is evidence to believe that ostracoderms were not all equally related and at least two distinct major groups are recognized, the Cephalopsida and the Pterospida. According to Lancaster, pterospids were related to cephalaspids because both are jawless.
have a large cephalic shield or occur in the same bats. On the other hand, Professor Eric Stencio believes that the pteropsids have given rise to myxinoids and the cephalospids to lampreys. This is needed little in common among the osteoderm fossils except for the absence of jaws. Differences in the shape of their tails are especially baffling, as White suggests the earliest vertebrates had straight or diphyseal tails. From these evolved pteropsids with hypocercal tails as well as cephalopes with heterocercal tails. The modern cyclostomes have been probably evolved from these cephalospids, but which osteoderm group gave rise to the earliest gnathostomes is unknown. The osteoderms closely resemble the modern cyclostomes in first absence of biting jaws, structure of brain and cranial nerves, similar auditory capsules, unpaired olfactory organs and pouch-like branchial sacs. Stencio believes that cyclostomes have descended from osteoderms by the evolution of a sucking mouth, loss of bony exoskeleton and paired limbs and development of cartilage. The fossil osteoderms as we find them were specialized and products of a long evolutionary past. They probably evolved from unarmored ancestors such as Gemmoetius. They could not compete with the jawed fish that evolved in such diversity during Devonian and became extinct. Before extinction, the osteoderms gave rise to the first bony fishes, the placoderms. The cartilaginous chondrichthyes. ऑस्ट्रेकोडर्म्स में आधुनिक साइक्लोस्टोम से निम्न बातों में निकट की समानता है: काटने के जबड़ों का अभाव, मस्तिष्क की संरचना और कपालीय तंत्रिकाएं, समान ऑडिटरी कैप्सूल्स, अनपेयर्ड ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स और पाउच के समान ब्रैंकियल सैक्स। स्टेंसियो का विश्वास है कि साइक्लोस्टोम्स ऑस्ट्रेकोडर्म से चूषक मुख के विकास, अस्थिल बाह्य कंकाल व युग्मित उपांगों का अभाव तथा उपास्थि के विकास के साथ साथ अवरोहित हुए हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म के जीवाश्म जैसे वे हमें आज मिलते हैं एक लंबे विकासीय भूतकाल के विशिष्ट उत्पाद थे। वे संभवतः अकवचित पूर्वजों जैसे जेमोटियस से विकसित हुए थे। वे उन जबड़े युक्त मछलियों से कंपटीशन न कर सके जो डिवोनियन में भारी विविधता से विकसित हुई, अतः विलुप्त हो गए। परंतु विलुप्त होने से पूर्व ऑस्ट्रेकोडर्म ने प्रथम अस्थिल मछलियों प्लेकोडर्म्स तथा उपास्थिल कॉन्ड्रैक्टिस को उत्पन्न किया। तो आज हमने ऑस्ट्रेकोडर्म्स के बारे में पढ़ा कि उनमें कौन कौन से करैक्टर्स थे और उनका क्लासिफिकेशन
पड़ा। उनमें परस्पर संबंध और बंधुताएं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।